ठकुरपुरा आदिवासी बस्ती में शिकायत के बाद भी जारी है अवैध शराब का कारोबार, समाज सेविका ने एसपी से की शिकायत। खबर शिवपुरी से आ रही है। शहर के ठकुरपुरा आदिवासी बस्ती में शिकायत के बाद भी अवैध शराब बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। सोमवार को एक समाज सेविका ने मोहल्ले की ओर से इसकी लिखित शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराते हुए पुलिस से इस अवैध शराब कारोबार को बंद कराने की गुहार लगाई है। सुनिए क्या कहा समाज सेविका ने। एसपी ऑफिस आई हो, आप क्या शिकायत लेके आई हो? शराब की बंद करवानी हेतु लेकर आई हूँ। कौन से वार्ड में शराब बेच रही है? वार्ड नंबर 39 में। अच्छा, तो इससे पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी? की थी, महिला आई थी बस्ती की, आदिवासी महिला आई थी, उस पर पता नहीं कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए शाम को उनके जो शराब बेच रहे हैं सुनील शर्मा, उनकी पत्नी लक्ष्मी आदिवासी हैं और उनके लड़के घर पे ही मारने के लिए आ गए थे। मेरे पति मतलब बीमार हो गए थे, उनकी शराब की क्या हुआ कुछ ये पता नहीं है, बिल्कुल बीमार हो जा रहे थे, बच्चे बीमार हो रहे हैं वहाँ पे, अवैध शराब बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि कमीशन की है, दिन रात करके बेचती हैं वो। अच्छा, कच्ची शराब बेच रहे हैं या वो बेच रहे हैं जो कलारी में मिलती है? कलारी नहीं है, उसी में मिला के बोलते हैं कि हम कमीशन की बेच रहे हैं, लेकिन वो कमीशन की नहीं है, जहरीली शराब है। जहरीली शराब है, अगर वो कमीशन की बेच भी रहे हैं तो उनसे ये बोला गया है कि आप एक निश्चित टाइम ले लो, तो बोलते हैं नहीं हम तो बेचेंगे देर रात करके बेचेंगे, कच्ची बेचेंगे, पक्की बेचेंगे, तुम में दम है तो बंद करके दिखा दो। और कोई भी आदिवासी बस्ती में से कोई भी लोग मतलब कोई भी एक सदस्य आवाज़ उठाता है उसके लिए मारने के लिए आतुर हो जाते हैं हम लोग। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी शराब बिल्कुल बंद की जाए, चाहे कच्ची बेच रहे हो, चाहे कमीशन की, चाहे कोई सी भी, और सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बोलते हैं हमारे जो हमारे कोतवाली थाना लगता है उनके मतलब कुछ बोलते हैं हमारा भाई है उसमें, हमारा भाई बैठा है, ये बैठा है, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा मुंह फाड़ देंगे, ये कर देंगे, मारने की धमकी देते हैं।